वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीजा एक्सपर्ट। दोस्तों, कनाडा जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, यूके शेंगेन कंट्रीज में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपकी रिफ्यूज़ल है और आपका वीज़ा नहीं लग रहा है तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे आप जा सकते हो लीगल वे के साथ, कैसे आप अपनी मनचाही डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। तो डिटेल आप बताऊंगा आपको इस वीडियो में, मेरे साथ दोस्तों बने रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, अगर आप सर्बिया जाना चाहते हो दोस्तों, सर्बिया में हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, वर्क परमिट और ऑन अराइवल, जिसे कि 3 महीने का वहाँ जाके वीज़ा मिलता है आपको। और वर्क परमिट देखिए कैटेगरी वाइज होते हैं, ठीक है, वो कैटेगरी आपको बता दी जाएगी, आप कॉल कर लेना जो भी इंटरेस्टेड है, वो कैटेगरी जो जो बंदा उस कैटेगरी का होगा तो उसको ज़रूर वर्क परमिट का प्रोसेस समझाया जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली क्या होता है कि यहाँ से बंदे जाते हैं और अराइवल उनकी एंट्री होती है, वो सर्बिया का वीज़ा उनको वहाँ जाके मिलता है, ठीक है। सर्बिया से हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें आप जा सकते हो, वो आप कॉल करके डिटेल पूछ सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सर्बिया में टोटली पेमेंट रीच पे कोई एडवांस नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप ओके कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट बाद में ली जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों, आप जाना चाहते हो कनाडा में, कनाडा में आपका रिफ्यूज़ल है एक बार दो बार, ठीक है, और उसके बाद आपका वीज़ा नहीं लग रहा, वो भी हम करवा के दे सकते हैं, और आपके पास CDC बनी है, ठीक है। कई लोगों के पास CDC होती है पर उनको ऑप्शन नहीं मिलता, वो आप कॉल कर सकते हो वीज़ा एक्सपर्ट को और आपकी CDC के ऊपर आपकी एंट्री हो सकती है लीगल वे के साथ, ठीक है, कोई डोंकी नहीं है, कोई इसमें दो नंबर का रास्ता नहीं है, ठीक है। लीगल वे के साथ जाएगा बंदा, उस पर CDC के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हम तो प्रोवाइड करेंगे आपको सारे जो होते हैं, ठीक है, और आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसमें प्रॉपरली एंट्री होता है, बाद में आप असाइलम का केस डाल सकते हो, बाद में आप पेपर अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो कनाडा का भी हमारे पास फुल फ्लज में ऑप्शन है। उसके बाद देखिए दोस्तों, शेंगेन का ऑप्शन है, शेंगेन आप जाना चाहते हो कोई भी कंट्री में, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, कहीं पे भी जाना चाहते हो तो हम शेंगेन वीज़ा करवा सकते हैं, फ्रेश तो कर ही सकते हैं, रिफ्यूज़ल वालों का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और जिनके पास CDC अवेलेबल है ना, जिन भाइयों के पास CDC अवेलेबल है वो कॉल करें, और कनाडा के लिए कॉल कर सकते हो, जापान, साउथ कोरिया, शेंगेन, UK, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, CDC के ऊपर भी बंदा फ्लाई कर सकता है, ठीक है, वीज़े पे तो जाता ही है और CDC भी कर सकता है, ठीक है। मेक्सिको जाना चाहते हो, मेक्सिको भी हमारे पास रीच पेमेंट है, ठीक है, CDC के ऊपर भी है और विदाउट CDC के ऊपर भी है, ठीक है, वीज़ा होगा और आप फ्लाई कर दोगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप कॉल करके पूछ सकते हो, हमारे पास जापान, साउथ कोरिया का भी है रीच ऑप्शन, और मोस्टली सभी कंट्री का हमारे पास रीच ऑप्शन अवेलेबल है। तो कोई भी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, USA, कहीं पे भी जाना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक बार ज़रूर हमारी सलाह लें और उसके बाद आपकी मर्जी, आपको सही लगता है तो कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।